सई के लिए 8 साल तक तड़पने वाला है विराट। कुछ इस तरह से बीतेंगे उसके 8 साल। सई की यादों में वो परेशान रहने वाला है हर वक्त। हर वक्त वो पछताने वाला है कि उसने जो कुछ भी किया है सई के साथ, वो बहुत ही ख़राब किया। क्योंकि उसे तो अभी यही पता है कि सई अब इस दुनिया में नहीं रही, और इसी गिल्ट के साथ विराट के कटने वाले हैं ये 8 साल। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। विराट की तड़प अब दिखेगी, वो तड़प जिसे देखने के लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा बेकरार हैं, वो तड़प जिसे देखने के बाद शायद सई को भी बहुत खुशी मिल सकती है, लेकिन सई ये तड़प देखने के लिए यहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि विराट जो है वो बहुत ही हैरान परेशान होने वाला है। सब कुछ गड़बड़ किया है विराट ने। एक हस्बैंड के रूप में कभी भी सई के साथ वो नहीं खड़ा रहा, ना ही उसने कभी भी सई का साथ दिया। वो हमेशा जानते हुए भी कि गलत हो रहा है, वो हमेशा गलत का साथ देता नजर आया था, जबकि उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो जानता था कि पाखी ने बहुत गलत किया। वो जानता था कि सई को पाखी ने मारने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी जब विराट ये फैसला लेता है कि वो पाखी की बेल कराएगा, जब विराट ये फैसला लेता है कि वो परिवार के साथ खड़ा रहेगा और सई को वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है, और यहाँ तक कि सई को एक लेवल पर जाकर इतना खरी खोटी भी सुनाता है, उसे यहाँ तक भी कह देता है कि मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब सई कहती है कि विराट आप हमेशा जो है वो पाखी का साथ देते हो, आप हमेशा गलत का साथ देते हो, जिसके बाद भी विराट अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा सई पर चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ, लेकिन तुम इस बात को कहाँ समझोगी, तुम तो अनाथ हो। ये बात वो बोलता है, और ये बात सुनकर सई पूरी तरीके से टूट जाती है। आंसुओं में डूबी सई कुछ बोलती है विराट को और कहती है कि आपको जो बोलना है आज बोल लीजिए। यहाँ पर आपको बता दें कि जो अश्विनी है वो भी विराट को समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, और वो कहती है कि गुस्से में लिए हुए फैसले से हमेशा पछतावा ही होता है। लेकिन इस वक्त विराट को कुछ भी नहीं दिखता। उसे ये नहीं पता है कि आने वाला कल क्या होने वाला है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि सई उसे सच में हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। उसे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं कि सई के बाद क्या होने वाली है उसकी ज़िंदगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर उल्टा सीधा बोलता नज़र आता है सई को। वो ये मानने की बजाय कि सई बिल्कुल सही कह रही है और पाखी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, पाखी की बेल भी वो करवा देता है, और भवानी जो है वो लगातार सई को ही उल्टा सीधा बोलती है और पाखी का हमेशा सपोर्ट करती नज़र आती है। वो यहाँ तक कि बोल देती है कि पाखी की बेल होगी, और विराट ही पाखी की बेल भी करा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट को इसके लिए उसकी सज़ा भी मिलती है। तभी तो देखिए ना, जब सभी को पता चलता है, यानी कि पुलिस महकमे को पता चलता है कि कुछ इस तरीके से जो विराट है उसने किया है, उसके घर में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं और विराट ने उसे सपोर्ट किया है, तो विराट को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी होना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी विराट को अकल नहीं आती है, और वो फिर भी जो है वो पाखी की बेल कराता है। और आपको बता दें कि काकू जो है वो कुछ भी नहीं समझ पा रही है। काकू को हमेशा ही सही गलत लगती है, और एक बार फिर से वो सही गलत ही नज़र आ रही है। फिलहाल जो है ये भी माना जा रहा है कि पाखी से जो है वो शादी करने वाला है विराट, और ये सब कुछ करवाएगी भवानी। लेकिन इन सब के बावजूद अब क्या होगा विराट का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पछतावे के बीच कैसे 8 साल उसके कटेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।